If I don't get films next year, I would do a play. I don't care. If I don't get any of these three things, I would buy a 5D camera, I'll make a short film, I'll be the solo hero in that short film. It's extremely important to fail because you need to learn how not to be careful. You need to try different things. Only then, once in like 100 times or 200 times, you'll hit on something that's completely fresh and that's gonna change everything for everybody. यकीन नहीं होता कि ऐसी सोच रखने वाला इंसान कभी सुइसाइड भी कर सकता है। सुशांत सिंह राजपूत उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपने बेमिसाल अदाकारी से बहुत ही कम समय में करोड़ों लोगों का दिल जीता और सब पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। 14 जून को उनके निधन की खबर सुनकर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि छिछोरे मूवी में जिस इंसान ने हमें ये सीख दी कि सुइसाइड इज नेवर एन ऑप्शन, उन्होंने जिंदगी से हार मानकर सुइसाइड कैसे कर लिया। मैं बस यही सोचता रहा कि क्या चल रहा होगा उनके दिमाग में कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया। सुशांत बस एक उम्दा एक्टर ही नहीं, मेरे लिए वो एक हीरो थे जिनकी पर्सनालिटी और लाइफ चॉइसेस से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड था। स्पेशली उनके एक पोस्ट ने मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन दी जिसमें वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट एनीबडी कैन लर्न टू थिंक और बिलीव और नो, बट नॉट अ सिंगल ह्यूमन बींग कैन बी टॉट टू फील। वाई to be nobody but yourself in a world which is doing its best night and day to make you everybody else means to fight the hardest battle which any human being can fight and never stop fighting. मेरा ये सपना था कि कभी ना कभी उनसे एक बार तो जरूर मिलूंगा और उन्हें ये बताऊंगा कि वो मेरे कितने बड़े हीरो हैं। पिछले कुछ हफ्तों से वो थोड़ा परेशान चल रहे थे, जिसकी एक झलक हमें उनके लास्ट इंस्टाग्राम पोस्ट में देखने को मिलती है, जहां उन्होंने अपनी माँ को याद करते हुए एक पोस्ट डाला था। इस वीडियो को बनाने का मकसद बस इतना ही है कि मैं अपने और उनके करोड़ों फैंस की तरफ से उन्हें एक अंतिम श्रद्धांजलि दे पाऊं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर एक्टिंग लाइन में अपना करियर बनाने का इरादा रखते हुए सुशांत सिंह राजपूत की पूरी कहानी, किस तरह उन्होंने अपने मेहनत के बलबूते पर अपने सपनों को हकीकत बनाया और फिल्म जगत में काई पोचे, अमेजोनी दी अनटोल्ड स्टोरी और छिछोरे जैसी मूवीज में अपनी उम्दा अदाकारी से फिल्म जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 21 जनवरी 1986 से, जब बिहार की राजधानी पटना में सुशांत सिंह राजपूत का जन्म हुआ। सुशांत के पिता का नाम डॉक्टर कृष्णा कुमार सिंह था और माँ का नाम था उषा सिंह। उनके अलावा एक बड़ा भाई और चार बड़ी बहनें भी थी, जिसमें से एक बहन मीतू सिंह स्टेट लेवल की क्रिकेट प्लेयर भी रह चुकी हैं। घर में सबसे छोटे होने के चलते उन्हें अपने परिवार से ढेर सारा प्यार मिला। सुशांत ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट कैरेंस हाई स्कूल दानापुर से की, लेकिन 2002 में उनकी माँ उषा सिंह के देहांत ने उन्हें मानो अंदर से झकझोड़ कर रख दिया और फिर उसी साल उनका पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। सुशांत ने अपनी आगे की पढ़ाई कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल न्यू दिल्ली से की। सुशांत पढ़ाई में पहले से ही काफी तेज थे, वो अपने समय के फिजिक्स के नेशनल ओलंपियाड विनर भी रह चुके हैं और कुल मिलाकर उन्होंने इंजीनियरिंग के 11 एंट्रेंस एग्जाम्स को क्लियर किया था, इंक्लूडिंग IITs। अपनी कड़ी मेहनत के बल पर उन्होंने 2003 के DCE एंट्रेंस एग्जाम में 7वीं रैंक हासिल करी और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में सुशांत ने BTech मैकेनिकल ब्रांच में एडमिशन ले लिया। इसी बीच डांस में उनकी रुचि बढ़ने लगी और फिर उन्होंने शामक डावर्स डांस क्लासेस को ज्वाइन कर लिया और कुछ महीनों के अंदर ही उनके बेहतरीन डांस को देखते हुए उन्हें 2005 के फिल्मफेयर अवार्ड्स के बैकग्राउंड डांसर के तौर पर चुना गया और फिर अगले ही साल 2006 में उन्हें ऑस्ट्रेलिया में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स के ओपनिंग सेरेमनी में भी ऐश्वर्या राय के साथ परफॉर्म करने का मौका मिला। सुशांत के कई दोस्त डांस के साथ साथ एक्टिंग क्लासेस भी जाया करते थे और इसी के चलते डांस के साथ साथ सुशांत की रुचि एक्टिंग में भी बढ़ने लगी और फिर उन्होंने बैरी जॉन्स ड्रामा क्लासेस ज्वाइन कर लिया और बहुत जल्द उन्होंने एक्टिंग में ही अपना करियर बनाने का मन बना लिया। सुशांत कहते हैं, आई फाउंड द एक्सपीरियंस लिबरेटिंग, आई रियलाइज दैट आई कुड कम्युनिकेट विद द ऑडियंस, आई न्यू आई वांटेड टू डू दिस फॉरएवर। सुशांत की रुचि धीरे धीरे पढ़ाई से हटकर डांस और एक्टिंग में बढ़ने लगी। थिएटर और डांस में पार्टिसिपेट करने के चलते सुशांत को पढ़ाई करने का समय ही नहीं मिल पाता था, जिसके चलते वो लगातार अपने एग्जाम्स में फेल होते रहे और फिर बहुत सोच विचार करने के बाद बीटेक के 4 साल के कोर्स को तीसरे साल में ही छोड़कर
एक्टिंग में ही अपना करियर बनाने का सपना लेकर 2006 में वो सपनों के शहर मुंबई चले आए और यहीं से उनके स्ट्रगलिंग फेज की शुरुआत हुई। मुंबई आकर उन्होंने नादिरा बब्बर्स एकजुट थिएटर ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, जहां अगले 2.5 साल तक वो अपने अदाकारी को निखारते रहे और इसी दौरान उन्हें नेस्ले मंच जैसे एक बड़े ब्रांड के कमर्शियल में फीचर करने का मौका भी मिला, जो कि काफी हिट भी हुआ। और फिर 2008 में एक प्ले के दौरान बालाजी टेलीफिल्म्स के कास्टिंग टीम ने सुशांत की अदाकारी देखी और उनके पर्सनालिटी और चार्म के कायल हो गए। उन्होंने फिर सुशांत को ऑडिशन देने के लिए बुलाया और सुशांत उस ऑडिशन में सेलेक्ट भी हुए, जिसके चलते उन्हें टीवी सीरियल किस देश में है मेरा दिल में प्रीत जुनेजा का रोल मिला। लेकिन उनके कैरेक्टर को काफी जल्दी मार दिया गया। बहुत ही कम समय के बावजूद सुशांत अपने व्यूअर्स पर अपनी बेमिसाल अदाकारी की छाप छोड़ चुके थे। फिर अगले ही साल 2009 में सुशांत को उनके टीवी करियर के सबसे प्रसिद्ध और पसंद किए जाने वाले सीरियल पवित्र रिश्ता में मानव देशमुख का रोल मिला, जो कि लोगों को काफी पसंद आया। उनकी अदाकारी को सम्मानित करने के लिए उन्हें टीवी के 3 मेजर अवार्ड शोज से बेस्ट मेल एक्टर के अवार्ड से भी नवाजा गया। उनके इसी रोल ने उन्हें एक अलग पहचान दी और टीवी जगत से फिल्म जगत के लिए उनके दरवाजे खोल दिए। फिल्म डेब्यू से पहले सुशांत ने डांस रियलिटी शो जरा नच के दिखा में भी पार्ट लिया और वहां भी अपनी डांसिंग का लोहा मनवाया। साथ ही उन्होंने इसी साल झलक दिखलाजा 4 में भी पार्टिसिपेट किया। फाइनली 2011 में सुशांत ने अभिषेक कपूर के फिल्म काई पोचे के लिए ऑडिशन दिया और इस फिल्म के 3 मुख्य किरदारों में उन्हें भी जगह मिल गई और रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल भी साबित हुई और लोगों को सुशांत की अदाकारी काफी पसंद आई। काई पोचे में उनके शानदार काम को देखते हुए उन्हें दूसरी फिल्म शुद्ध देसी रोमांस काफी जल्दी ऑफर हो गई, जो कि यशराज फिल्म्स बैनर के तले बनने वाली थी और यहां भी लोगों ने फिल्म की काफी सराहना की। फिर आगे चलकर उन्हें राजू हिरानी की फिल्म पीके ऑफर हुई और वो भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती हुई नजर आई। लेकिन सुशांत का सबसे बेहतरीन काम लोगों को तब दिखा जब उन्होंने MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी और छिछोरे जैसी मूवीज में अपनी अदाकारी से मानो लोगों का दिल ही जीत लिया हो। सुशांत ने अब तक अपने करियर में काई पोचे, पीके, एमेजोनी दी अनटोल्ड स्टोरी और छिछोरे जैसे 11 फिल्में की हैं। लेकिन उनकी आखिरी फिल्म, जिसका टाइटल रखा गया है दिल बेचारा, जो कि US की फिल्म द फॉल्ट इन आवर स्टार्स की बॉलीवुड रीमेक है, का रिलीज होना भी बाकी है। इस फिल्म की रिलीज डेट मई 2020 की रखी गई थी, लेकिन कोरोना के चलते इसे पोस्टपोन करना पड़ा। आई होप जब भी ये फिल्म रिलीज हो थिएटर्स में ही हो, ताकि एक आखिरी बार मैं अपने हीरो को बड़े पर्दे पर अपना जादू करते हुए देख सकूं। आशा करता हूं आपको मेरी ये बनाई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको क्या लगता है, क्यों उठाया होगा सुशांत ने ऐसा कदम? कमेंट्स में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। बिडिंग गुड बाई टू माई हीरो फॉर इज आफ्टर लाइफ जर्नी। रेस्ट इन पीस सुशांत सिंह राजपूत, माई हीरो 1986 टिल फॉर एवर।